अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हैदराबादी मटन कैरी दो प्याज़ा की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने एक कप ऑयल ले लिया है, अभी हम इसको बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। एक भगोने में एक कप ऑयल लिया है। अब इसमें हम कुछ ड्राई मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमारे पास तेज़पात का पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची है। इसको हम ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इसके लिए लिया है मैंने 1 kg मटन। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, मैं इसके लिए मटन यूज़ कर रही हूँ। तो मटन के साथ हम इसको बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार डिश है और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप आसानी के साथ बहुत इजीली इसको घर में बना सकते हैं। 1 kg मटन लिया है, जिसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था। अब मैं इसको ऑयल में डालकर अच्छी तरह से भून लूँगी। इसको हमने जब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता मटन का। इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। 3 बड़े चमचे मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इसके मसाले बहुत ही सिंपल इजी हैं और आप आराम से इसको बना सकते हैं। बहुत ही इजी और मज़ेदार डिश है ये। लहसुन अदरक डाल के मैं लहसुन अदरक के साथ भी इसको फ्राई करूँगी गोश्त को अच्छी तरह से। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले शामिल करेंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर है और नमक है। बहुत सिंपल मसाले हैं, इसको हम डाल देंगे। मसाले आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा, नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैं 1 kg मटन के हिसाब से मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें, और इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। मज़ीद हम इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मसालों के साथ। गोश्त को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें मैं प्याज शामिल करूंगी। आप देख सकते हैं कि प्याज मैंने ज़्यादा ली है। पहले मैं थोड़ी प्याज डाल के गोश्त में मिक्स कर लूंगी और उसके बाद मैं मज़ीद प्याज में शामिल कर दूंगी। प्याज जो है वो मैंने राउंड स्लाइसेस में काटी है, लंबे स्लाइसेस में नहीं काटी, ताकि प्याज इसमें जाके घुल जाए। प्याज को 2 शक्ल में काटते हैं, लंबे और राउंड। मैंने राउंड में काट के इसको डाल दिया है। तकरीबन 1 kg प्याज मैंने ली है। अब हम इसको ढककर पकाएंगे। अब मैंने ली है कैरी। ये रेसिपी मैंने जब बनाई थी, जब बहुत अच्छी कैरियाँ आ रही थी, तो ये रेसिपी मेरी जब की बनी हुई है, इसको मैं अब अपलोड कर रही हूँ। इसके लिए मैंने कैरियाँ ली हैं 2 औदद, जो कि हैं दरमियाने साइज़ की। बहुत अच्छी कैरियाँ थी ये, और हो सकता है अभी भी कैरियाँ आ रही हों। अगर कैरियाँ आ रही हैं तो आप कैरी से बना लीजिए। अगर आपके पास कैरी नहीं है तो आप इसको खटाई से भी बना सकते हैं। जैसे हम अपने घरों में खटाई को सुखाते हैं, तो मेरे पास तो खटाई रहती है। अभी मैंने पाकिस्तान का विज़िट किया था, तो मैं खटाई वहाँ से लेकर आई हूँ, और मेरी जेठानी ने मुझे सुखा कर खटाई दी है। वैसे तो हमें पाकिस्तान से बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है, जो बहुत मोहब्बत से दिया जाता है। और कैरी की जो खटाई सुखाई जाती है, जब कैरी का मौसम होता है, तो वो खटाई तकरीबन 1-2 साल मैंने सालों चल जाती है। आप इसको एहतियात से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये खटाई है जो मेरी जेठानी ने मुझे सुखा कर दी है। इसको मैं कागज़ के शॉपर में आराम से रख लेती हूँ। इसको धूप में सुखाई जाती है, और जब ये सूख जाती है तो इसको कागज़ के शॉपर में रैप करके रख लेते हैं। तो इस तरह मैंने कैरी के छोटे छोटे पीसेस काट लिए थे, और जितनी मुझे कैरी रिक्वायर्ड थी मैंने काट ली थी। कैरी बहुत ज़्यादा खट्टी थी, इसलिए मैंने 1.5 कैरी इसमें डाली थी। तो छोटे छोटे पीसेस में इसको मैंने काट के रख लिया था। अब ये हम देखेंगे कि हमारा मटन जो हम पका रहे थे वो तकरीबन गल चुका था। इसको अच्छी तरह से हम चलाएंगे, और ये इसका पानी भी ड्राई हो गया था। तो ड्राई होने के बाद अभी थोड़ा सा पानी इसमें बाकी था पूरा, इसलिए मैंने इसमें कैरियाँ डाल दी थी। जो कैरी हमने काटी थी वो हम इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम कैरी को भी इसमें पकाएंगे, ताकि कैरी अच्छी तरह से गल जाए और इसका फ्लेवर पूरे सालन में अच्छी तरह से आ जाए। तो अब हम इसमें कैरी को ढककर पकाएंगे 10 मिनट के लिए, ताकि कैरी इसमें घुल जाए। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमने सालन को भी भून लिया था, और कैरी भी हमारी गल चुकी थी तकरीबन। तो थोड़ी थोड़ी सी खड़ी नज़र आएगी, लेकिन काफ़ी गल चुकी थी और इसका फ्लेवर अच्छी तरह से सालन में आ चुका था। तो अब हम इसमें इसको भूनने के बाद अब हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची और जूलियन अदरक शामिल कर देंगे ऊपर से, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा हैदराबादी मटन कैरी दो प्याज़ा रेडी हो गया है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बस 5 मिनट हमने इसको दम पे लगाना है, और दम पे लगाने के बाद हमारी डिश रेडी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी मज़ेदार सी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसको रोटी, नान, चपाती और हर तरह से इसको इंजॉय कर सकते हैं, और ईज़िली घर में बन जाती है, और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो अब हम इसको दम पर लगा चुके हैं, और ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।